चले तो लास्ट क्लास वॉज अबाउट टेकिंग अ टर्न ऑन अ लेवल रोड, और हमने देखा था कि अगर लेवल रोड पे टर्न करना है तो एक मैक्सिमम स्पीड होती है जिस पे आप टर्न कर सकते हो. फॉर्मूला बनाया था उसका अंडर रूट ऑफ म्यू जी आर. फिर हमने टू व्हील का एग्जांपल लिया था और कहा था कि अगर ज़्यादा स्पीड से टर्न मारना है तो आपको गाड़ी को झुकाना पड़ेगा, बराबर. अगर गाड़ी आप नहीं झुका सकते हो, अगर आपके चाचा विधायक है तो आप रोड को झुका दो. अगर आपके चाचा विधायक है तो आप रोड को झुका सकते हो. भाई कुछ भी हो सकता है इंडिया में, है कि नहीं? तो तुम्हारा चाचा विधायक होने चाहिए. तो देखो अब हम बात करेंगे अबाउट द मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड रोड. ऑन अ बैंक्ड रोड, संभल के बोलिएगा इसको, ऑन अ बैंक्ड रोड. ठीक है, नहीं समझ आई मेरी बात? क्या समझ गए? सुनाओ. दिस इज द रोड वी हैव, और हमने क्या करना है पता है? हमें रोड को एक तरफ से ऊंचा कर देना है. इसका मतलब ये रोड का जो सेक्शन है ना, अब वो ऐसा दिखेगा. समझा आप? ला बुक दे, बताते हैं. चलो इसे कहेंगे फ्लैट रोड, राइट. और हमने क्या करना है, इस रोड को ही थोड़ा झुका देना है. ऐसा आपने देखा होगा जब आप छोटे होंगे ना, तो वो मौत के कुएं में जाते होंगे मेले में, पता है मौत का कुआ, राइट. तो उसमें पूरा वॉल एकदम इंक्लाइन होता है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रोड को भी एक तरफ से थोड़ा सा उठा देंगे. रोड को एक तरफ से उठाने से क्या हो जाएगा, अब अगर आप गाड़ी को देखोगे ना, तो आपकी गाड़ी ऐसे दिखेगी. अब बेटा ध्यान यहाँ पे सबका अटेंशन, अब आपकी गाड़ी ऐसे दिखने वाली है, राइट. बात करेंगे वापस इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं. ओके चलिए बताइए कौन कौन से फोर्सेस. पहला फोर्स कौन सा? ग्रेविटी. कहाँ लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स. लो ग्रेविटी कहाँ लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स. दूसरा कौन सा फोर्स? नॉर्मल. कैसे लगेगा? नॉर्मल को परपेंडिकुलर, तो सरफेस को परपेंडिकुलर. कौन सा फोर्स आया बेटा ये? नॉर्मल फोर्स. और कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन. कैसे लगेगा फ्रिक्शन? वो ऐसा कह रहा है आर्यन, फ्रिक्शन बाहर की तरफ लगेगा. भाई फ्रिक्शन बाहर लगेगा तो गाड़ी तो उड़ जाएगी बाहर. फ्रिक्शन को गाड़ी को रोकना है बाहर जाने से, तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर. एंड फ्रिक्शन इज ऑलवेज पैरेलल टू सरफेस. तो आपका सरफेस अभी ऐसे है तो फ्रिक्शन विल बी पैरेलल टू द सरफेस. तो हम थोड़ा अलग कलर लेंगे फ्रिक्शन के लिए. दिस इज हाउ योर फ्रिक्शन विल बी पैरेलल टू द सरफेस. और कोई फोर्स? ऑब्जेक्ट जब भी सर्कल में घूमता है तो बाहर की तरफ, सेंट्रीपेटल. तो बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगाएंगे? सेंट्रीपेटल, बाहर की तरफ. सेंट्रीपेटल का फॉर्मूला क्या है? mv स्क्वायर बाय r. इतना समझे आप चारों फोर्स को? mj नीचे, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस, फ्रिक्शन पैरेलल टू द सरफेस, एंड सेंट्रीपेटल अवे फ्रॉम द सेंटर. Do you understand this? अब हमें क्या करना है, हमें इस नॉर्मल और फ्रिक्शन के कंपोनेंट्स लेने. क्या करना है हमें? नॉर्मल और फ्रिक्शन के कंपोनेंट्स लेने हैं, राइट. चलिए देखिए क्या कंपोनेंट बनेंगे. सो वी विल हैव योर नॉर्मल के दो कंपोनेंट बनेंगे बेटा, ध्यान से देखना. चलिए नॉर्मल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है. नॉर्मल कहाँ जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में. दो कंपोनेंट बनेंगे. वाई कंपोनेंट कहाँ जाएगा? ले गायब हो गया ये तो. चलो सो वी हैव टू कंपोनेंट्स, राइट. एक कंपोनेंट कहाँ होगा? ऊपर. एक कंपोनेंट कहाँ होना है? इस तरफ. अंडरस्टूड? सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, तो एक्स कंपोनेंट इस तरफ जाएगा, वाई कंपोनेंट ऊपर जाएगा, है ना. और किससे कंपोनेंट लेने पड़ेंगे? फ्रिक्शन के. चलो फ्रिक्शन के भी दो कंपोनेंट लेते हैं, राइट. चलो फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट. फ्रिक्शन कहाँ जा रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में. तो एक्स कंपोनेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, वाई कंपोनेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन. डू अंडरस्टैंड एवरीवन? किस किस के कंपोनेंट लेने पड़े? नॉर्मल के और फ्रिक्शन के. चलिए लेट्स से द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज थीटा.
इफ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज थीटा, राइट, तो थीटा एंगल कहाँ पे बनेगा? देखो ये ऑल्टरनेट एंगल सेट हो रहा है आपका, कैन यू सी दैट? तो यहाँ पे क्या एंगल बनना है? थीटा, यस और नो? राइट, सिमिलरली बेटा थोड़ा बुद्धि लगाओ जितना आपके पास है, यहाँ भी क्या एंगल बनेगा? थीटा, राइट. अब जो हम जानते हैं कि एंगल के पास वाला कंपोनेंट क्या होता है? कॉस. तो थीटा का एडजेसेंट, ये नॉर्मल का कौन सा कंपोनेंट होगा? एन कॉस थीटा. और ये नॉर्मल का कौन सा कंपोनेंट होगा बेटा? एन साइन थीटा. राइट, सिमिलरली फ्रिक्शन का ये एंगल के पास वाला जो कंपोनेंट है, एंगल के एडजेसेंट, क्या होगा? ये कॉस थीटा. और ये दूसरा कंपोनेंट क्या होना है बेटा? एफ साइन थीटा. बस खेल खत्म. इतना अगर आपने कर लिया तो काम तमाम. क्योंकि अभी आपको क्या करना है? खाली फोर्सेस को बैलेंस करना है. ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स है? एन कॉस थीटा. नीचे की तरफ कौन से फोर्स है? एफ साइन थीटा प्लस एम जी. राइट, इस तरफ कौन से फोर्स है? एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा. और इस तरफ कौन सा फोर्स है? एम वी स्क्वायर बाई आर. इक्वलाइज करेंगे, रेशियो करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका. राइट, सबसे पहले हम इस फिगर को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम आगे डिस्कशन करेंगे. चलिए फिगर ड्रॉ करिए सब. ओके, चलो नाउ लेट्स डू द राइट अप. थियरी कंप्लीट करते हैं. ओके, सो वी राइट हियर, इफ द रोड इज बैंक्ड, इफ द रोड इज बैंक्ड एट एन एंगल थीटा, इफ द रोड इज बैंक्ड एट एन एंगल थीटा, राइट, वी विल राइट हियर फ्रॉम फिगर, फ्रॉम द फिगर. हमने सारे फोर्स कंपोनेंट्स दिखा दिए, तो वापस लिख के बताने का काम नहीं है. वी विल डायरेक्टली राइट दैट फ्रॉम फिगर. चलो, देर इज नो एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, देर इज नो एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, देर इज नो एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन. चलिए, वर्टिकली कोई एक्सेलरेशन नहीं है. ओके, वर्टिकली ऊपर कौन सा फोर्स है? एन कॉस थीटा. नीचे क्या क्या है? एफ साइन थीटा प्लस एम जी. तो पहला इक्वेशन मिल गया आपको, एन कॉस थीटा को कौन बैलेंस करेगा? एम एफ साइन थीटा प्लस एम जी. ये एन कॉस थीटा को कौन बैलेंस करेगा? एफ साइन थीटा प्लस एम जी. तो यू गॉट योर फर्स्ट इक्वेशन हियर, एम जी इक्वल टू एन कॉस थीटा, एम जे इक्वल टू एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा. कॉल इट इक्वेशन नंबर वन. नाउ वी विल राइट फॉर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स. चलिए, फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस. चलिए, हॉरिजॉन्टली बाहर की तरफ कौन सा फोर्स है? एम वी स्क्वायर बाय आर. अंदर की तरफ कौन से फोर्स है? एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा. सो इट इज एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा. कॉल इट इक्वेशन नंबर टू. नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड बोथ द इक्वेशन. हम करेंगे इक्वेशन नंबर टू डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर वन. चलो, इक्वेशन टू का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एम वी स्क्वायर बाई आर. और राइट साइड क्या है? एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा. इक्वेशन नंबर वन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एम जी. और राइट हैंड साइड क्या है उसका? एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा. मास कैंसल्ड, क्या हो गया? ये वी स्क्वायर बाई आर जे. अब यहां से हम क्या करेंगे? सारे को एन से डिवाइड करेंगे. किससे डिवाइड करेंगे? एन से. तो यहां हो जाएगा वन, यहां हो जाएगा एफ बाई एन, ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा f बाई एन. क्यों करा ऐसा? क्योंकि f बाई एन इज इक्वल टू म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. व्हाट इज f? म्यू इंटू एन. फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू इंटू एन. सो इफ आई डू f डिवाइड बाई एन, व्हाट विल आई गेट? म्यू. तो मैं यहां पे सेट करूंगा, या फिर आप एक काम करेंगे, f की जगह लिख देंगे म्यू इंटू एन. तो n अपने आप कॉमन है, n कैंसिल हो जाएगा. चलिए, इसको याद रखिएगा, अपने को आगे ले जाना है इसको. व्हाट वी गॉट हियर? वी स्क्वायर बाई आर जी इज इक्वल टू एन साइन थीटा. मैं एफ की जगह क्या लिखूंगा? म्यू इंटू एन कॉस थीटा डिवाइड बाई एन कॉस थीटा
माइनस एफ की जगह क्या लिखेंगे, म्यू इंटू एन साइन थीटा, चलिए एन कॉमन एन कैंसल, सबको कॉस से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा बेटा, साइन बाई कॉस टेन थीटा प्लस म्यू कॉस बाई कॉस वन, सबको कॉस से डिवाइड करना है राइट, कॉस बाई कॉस वन म्यू इंटू साइन बाई कॉस टेन, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव डन हियर, एन कॉमन एन कैंसिल और फिर सबको कॉस से डिवाइड कर देना है, तो कॉस बाई कॉस वन एंड साइन बाई कॉस इज टेन, अंडरस्टूड एवरीवन, चलिए परफेक्ट, तो यू गॉट हियर वी स्क्वायर बाई आर जी, सो यू कैन राइट हियर वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी, ऊपर ले लेंगे बेटा अंडर रूट ऑफ, स्क्वायर था ना यहाँ पे, अंडर रूट कर देंगे, क्या टर्म बचा यहाँ पे, म्यू व्हाट हैपन, नहीं नहीं कुछ, हाँ हो गया ना, सही तो चल रहा है, म्यू प्लस टेन थीटा बराबर है म्यू प्लस, हाँ मतलब ये हटा दो, ओके म्यू टेन थीटा डिवाइड बाई वन माइनस म्यू टेन थीटा, म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइड बाई वन माइनस म्यू टेन थीटा, आर जी कहाँ आ गया ऊपर, सो दिस इज द मैक्सिमम सेफ स्पीड, इतना हो जाएगा बेटा मैक्सिमम सेफ स्पीड, जैसे ही आप थीटा जितना एंगल बैंकिंग करोगे तो राइट क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइड बाई वन माइनस म्यू टेन थीटा इंटू आर जी, ओके नाउ वी हैव सर्टेन कंडीशंस हियर, वी हैव अनदर स्पीड कॉल्ड एज ऑप्टिमम स्पीड, सो ऑप्टिमम स्पीड इज दैट स्पीड व्हाइल टेकिंग टर्न वेयर योर टायर विल एक्सपीरियंस नो वियर एंड टीयर, नॉर्मली जब आप टर्न मारते हो ना तो टायर को बहुत ज़्यादा वियर टीयर लगता है, टायर घिस जाते हैं, विली मारते ना जो लोग उनके टायर बहुत घिस जाते हैं राइट, तो अगर आप चाहते हो कि किसी भी फ्रिक्शन के बिना टर्न मारा जाए तो उस स्पीड को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमम स्पीड कहेंगे, सो ऑप्टिमम स्पीड इज द स्पीड व्हाइल टेकिंग टर्न, द स्पीड व्हाइल टेकिंग टर्न व्हेन टायर एक्सपीरियंस, टायर्स एक्सपीरियंस नो वेयर एंड टेयर राइट, तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगना चाहिए, मतलब म्यू कितना ले लेना है, जीरो, फ्रिक्शन नहीं है ना मतलब म्यू कितना ले लेंगे, जीरो ले लेंगे, चलो इसमें म्यू की जगह जीरो रखो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो प्लस टेन थीटा, नीचे वन माइनस जीरो, तो नीचे क्या हो जाएगा वन, ऊपर क्या बचेगा टेन थीटा, तो क्या स्पीड हो जाएगी आपकी, वी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। चलिए एक और यहां पे छोटा सा इक्वेशन जो आपको याद रखना है, दैट इज कंडीशन ऑफ पार्किंग, कंडीशन ऑफ पार्किंग बेटा ध्यान यहां पे, कंडीशन ऑफ पार्किंग देखिएगा, सपोज एक स्लोप है और इस स्लोप के ऊपर आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी है राइट, तो कंडीशन क्या है, सपोज ये आपका गाड़ी है, ये गाड़ी है और ये गाड़ी आपको स्लोप पे पार्क करना है, तो अगर स्लोप बहुत ज़्यादा होगा ना तो तुम्हारी गाड़ी स्लाइड हो जाएगी नीचे, आगे ना, तो क्या कंडीशन है अगर गाड़ी को पार्क करना है, तो बेटा तो गाड़ी अगर आपको पार्क करना है ना, तो गाड़ी पार्क करने की कंडीशन ये है कि सपोज मान लीजिए कि इसका स्लोप है थीटा, कितना स्लोप है इसका थीटा, और सरफेस शुड बी रफ, अगर सरफेस रफ होगा तो ही पार्किंग हो पाएगा ना राइट, सपोज यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है म्यू, तो कंडीशन ये है फॉर पार्किंग, फॉर पार्किंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टेन थीटा, ये फ्रिक्शन जो है ना वो इस टेन थीटा से कंपलसरी ज्यादा होना चाहिए, अगर टेन थीटा ज्यादा हो गया तो फिर गाड़ी गई,
टेन थीटा म्यू के कंपेयर में कम रहना चाहिए, राइट? दिस इज द कंडीशन ऑफ पार्किंग, फाइन। ऑप्टिमम स्पीड क्या है? वो स्पीड जहां पे टायर को बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो आपको इसे इक्वेशन में म्यू जीरो कर देना है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट आरजी टेन थीटा। और अगर स्लोप के ऊपर गाड़ी पार्क करनी है तो कंडीशन क्या है? फ्रिक्शन जो लग रहा है म्यू, वो टेन थीटा से ज्यादा होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन कम हो गया तो गाड़ी स्लाइड कर जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके, लिखिए, चलिए फटाफट फिर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है आपको।